देखिए बच्चों, तुम लोगों को एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है ये देखिए। क्वेश्चन है बेटा, आपके पास ना एक ऐसे बेटा एक वेज है और यहाँ पे हम लोगों ने एक पुली लगाया और पुली के साथ एक मास लगाया और इन दोनों का मास कैपिटल एम है। ये बेटा, और तुम लोगों ने यहां पे बेटे फोर्स लगाया एफ, ठीक है, और ये एफ की वैल्यू तुम्हें दे रखी है बच्चों mg बाय टू। तो तुम्हें बोला गया है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। बेटा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स इन वेक्टर फॉर्म। तो बच्चों वेक्टर फॉर्म में बताना है, और ये क्वेश्चन में आप मान लो इधर को एक्स एक्सिस दे रखा है तुम्हें और इधर को बच्चे वाई एक्सिस दे रखा है। कैन यू गेट मी दिस आंसर और यू कैन प्रोसीड फॉर दैट। देखो मैंने मैंने तुम लोगों को ये चीज बहुत जबरदस्त पहले भी बता रखी है और अभी फिर से आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है, आपसे अब अभी फिर से शेयर किया जा रहा है इस पॉइंट को। देखिए क्या है पॉइंट है बच्चों, तुम लोग क्या करोगे, ये बेटा तुम लोग क्या करोगे बेटा, तुम लोग इस सारे को ना एक सिस्टम मान लोगे, इस सारे को एक सिस्टम मान लोगे और तुम कितनी फोर्स लगा रहे हो बेटा mg/2 और इस तरफ एक्स है। मेरे साथ साथ बेटा कॉपी पे लिखते जाना, फिर तुम्हें चीजें पता लगती जाएंगी। ये आ गया बेटा तुम्हारे पास इसका रिजल्ट। ठीक है, अब मैं तुम्हें बोलू बेटा व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ये सारे का सारा बेटे सिस्टम है, तो बेटे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आया, तो तुम बोलोगे फोर्स बाय मास। अब मास कितना बेटे 2m, क्योंकि दोनों का मास m ईच है तो 2m आया। और बच्चों फोर्स तुम्हें दे रखा है mg/2 और अलोंग x एक्सिस। बेटा मेरे साथ साथ लिखते जाना ये चीज। तो ये mg/4m आई कैप, बोले तो g/4 आई कैप आ गया। ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। बेटा ये बोलो ये क्लियर हुआ बच्चों। बच्चों क्लियर हुआ? ओके, नाउ लेट मी टेल यू बेटा, नाउ लेट मी टेल यू कि ये ब्लॉक ए है और ये बी है। लेट मी टेल यू लाइक दैट। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बी, तो तुम बोलोगे सर ये सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है और हॉरिजॉन्टल में कितनी एक्सेलरेशन रहेगी इसकी, g/4। ये g/4 आई कैप रहेगा एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बी, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी g/4 रहेगा। पर ये जो ब्लॉक ए है, ये तुम्हें मैंने पहले भी बताया था बेटा, सुनना बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये बेटा इधर। अब
जब ये इधर आएगा x, तो ये वाला जो ब्लॉक है बेटा ये इधर को भी कितना आएगा, x ही आएगा ना। लॉजिक समझो, लॉजिक ये इसके साथ जुड़ा भी हुआ है साथ में इधर, तो इधर को x ही आएगा ना बेटा। अब सुनो, तो इसका मतलब ये है बेटा कि तुम ये मान लो, लेट ए आर क्या है, बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक ए, ऑफ दिस ब्लॉक ए, मैं इसको रेज कर देता हूं, ऑफ दिस ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू द बी। तो तुम लोग ए को देख पा रहे हो, ए पे इधर को mg फोर्स लगेगा बेटा, और ऊपर को कितना लगेगा, mg by 2, देख पा रहे हो ना बेटे, ये देखो mg by 2 फोर्स लगा बेटे इधर, यहां पे कितना फोर्स लगा mg by 2, और नीचे को कितना लगा mg, ये बेटा नीचे को आया ar acceleration के साथ। तो तुम लोगों को पता ही है बेटा, तुमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को y cap लिखा हुआ है और हॉरिजॉन्टल को x, अभी ये वर्टिकल में नीचे को ही जा रहा है, तो तुमने इसका नाम y रख दिया, तो तुम्हारे पास क्या रिजल्ट आया बेटे, mg माइनस mg by 2 as what ma r, यहां से तुम्हारे पास ar का वैल्यू g by 2 और साथ में j cap। नाउ दिस इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन, ओके। सो देयरफॉर बच्चों तुम्हें याद होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन को तुम ऐसे लिख दो, a ऑफ ए बी ऐसे लिख दो बेटा, a ऑफ ए बी लिख दो, थोड़ा इजी लगेगा आपको भी। और बच्चों तुम्हें पता है, तुम्हें पता है a ऑफ ए बी को तुम कैसे लिख सकते हो, a ऑफ a माइनस a ऑफ b, तुम्हें a ऑफ a निकालना है बच्चे, तो कितना आ गया a of ab plus ab, और a of ab कितना है g by 2 j cap, और a of ab तुम्हें पता है g by 2 j cap है, और a of b कितना निकाला तुमने g by 4 i cap। थोड़ा सा रीअरेंज कर लो बच्चों, एक्सेलरेशन आ गई g by g कॉमन ले लो, ये आ गया i cap by 4 plus J cap by 2, ये आंसर आ गया बच्चों, क्लियर हो गया। बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, कोई डाउट है तो बता सकते हो बेटा। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, मैं दोबारा से बता रहा हूं जल्दी जल्दी से, ये ब्लॉक था जिसका मास m, ये ब्लॉक था जिसका मास m, और इसको हम लोग खींच रहे हैं mg by 2 से, और हमें दे रखा है ये x है और ये बेटा y है। तो पहले हमने माना ये पूरे का पूरा एक सिस्टम है, तो सिस्टम की एक्सेलरेशन कितनी आई, फोर्स बाय मास, टोटल मास। अब ये बेटा x माना तूने, तो एक्सेलरेशन कितनी आई, फोर्स mg by 2 i cap, क्योंकि लॉन्ग x है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है, ये भी m, 2m, ये तेरे पास आ गया g by 4 i cap। अब क्योंकि सारे का सारा सिस्टम इधर जा रहा है, तो ये जो वेज b है ये भी इधर को ही जा रहा है, ये भी, तो इसकी एक्सेलरेशन, b की एक्सेलरेशन तुम्हारे पास कितनी आई, g by 4 i cap। फिर तुमने क्या किया, ए ब्लॉक के बारे में बात किया, ए के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, mg by 2, ए नीचे को कितनी लग रही है, mg। अब तुमने बोला ये नीचे को आ रहा है कितनी एक्सेलरेशन के साथ, ए बी ए के साथ, तो डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू व्हाट बेटे, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बी ए। यहां से तुम्हारे पास ए बी ए का वैल्यू g by 2 j cap, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को j cap लिया है। अब तो मेरे ख्याल से तुम्हें ये चीज पता लग गई कि मैं क्या बोल रहा हूं, इधर
ये है बेटा, ये है ना, ये है। ये आ गया बेटा, ठीक है। तुम्हें ये निकालना, निकाल दो। क्लियर हो गया बच्चों? बेटा ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? गुड। ये मतलब हमारे पास है, बड़ा जबरदस्त सिस्टम है ये, और तुम्हें पता लग गया कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक ब्लॉक है बेटा, ये वेज आ गया, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा तुमने ए, ये सी आ गया, ये पुली आ गया, और ये बी ब्लॉक आ गया। तूने फोर्स लगाया बेटे एफ, तूने फोर्स लगाया एफ, और इन सभी का मासेस तुम सेम ले लो, ठीक है। और तुम्हें ये बोला जा रहा है कि सो दैट ए डज नॉट स्लाइड, ए डज नॉट स्लाइड, ए स्लाइड ना करे, ठीक है। सुडो फोर्स लगाओगे, एम ए लगा दोगे, बस पानी करो, इसको स्लाइड नहीं होने देना, बस ये याद रखना। एफ की वैल्यू निकालनी है, एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सो दैट एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड। ये तुम लोग करके देखना अपने आप, सिंपल है, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन और देते हैं, ये आपको मैं करवाता हूं, कुछ ऐसे ही रिलेटेड है। देखिए हमारे पास बच्चों ऐसे एक स्ट्रिंग लगा, ये पुली लगा, और ये एक वेज है। यहां से ये जो मास लगा बेटे, इसके साथ लगा और ऐसे लगा दिया। मैं सारे पैरामीटर्स तुम्हें दे रहा हूं, तुम उसको फोर्स लगा रहे हो बेटा, ये ए ब्लॉक है, ये बी है, तुम्हें दे रखा है। ए और बी का मास सेम है क्योंकि 10 kg है, और जो तुम फोर्स लगा रहे हो वो बेटे 400 N है, और हमें बोला जा रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी निकालना है, एक ऑल सर्फेसेस स्मूथ, एक 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 बेटा ऑल सर्फेसेस आर स्मूथ, सारे के सारे सर्फेसेस जो हैं बच्चे वो स्मूथ है, ठीक है। तुम्हें ये बोला जा रहा है, तो कैसे करोगे अप्रोच इसको, मैं तुम्हें फिर से बताता हूं। देखो बेटा, बच्चों देखो, टेंशन इधर लगेगा, टेंशन इधर लगेगा, टेंशन इधर लगेगा, टेंशन इधर लगेगा। ए बी पे नॉर्मल एक्शन लगाएगा, बी ए पे नॉर्मल एक्शन लगाएगा, मतलब ये फंडामेंटल्स है यार, क्या बात है ना, ये फंडामेंटल्स है बच्चे, मतलब इसको तो कोई क्या ही नहीं सकता। स्ट्रिंग लगा है, टेंशन लगेगी, बॉडी कॉन्टेक्ट में है तो नॉर्मल एक्शन लगेगा, और कोई फोर्स है नहीं तो नहीं लगेगी, क्या दिक्कत है, मास तो लगना ही लगना है एम जी। और इसका नॉर्मल एक्शन का नाम तुम
N1 रख दो और एक यहां पे लगेगा ऐसे N2, N2 लगेगा और इसका वेट लगेगा नीचे। अब देखो वेट तो लगना ही लगना है। अब जल्दी जल्दी से देखते हैं, जल्दी जल्दी से देखो बेटे, FBD बनाते हैं। सबसे पहले इजी है, बी के लिए बनाते हैं, थोड़ा बी इजी है। सुनो बच्चे, तुम इसमें सबसे पहला तुम्हें बताया था, एफबीडी से भी पहला, मैं एफबीडी इसीलिए डिलीट कर रहा हूं, एफबीडी से भी पहला तुम्हें बताया था कॉन्स्ट्रेंट बनाना। लॉजिक सुनना, बहुत जबरदस्त मजा आ जाएगा। मान लो जब तुम इसको इधर को फोर्स लगा रहे हो तो बच्चे ये सारा सिस्टम इधर को गया, मान लो ये इधर को एक्स गया, तो जब बेटा ये इधर को एक्स गया, ये जब बेटा इधर को एक्स गया तो ऑब्वियस है इधर को जाने के लिए इसको स्ट्रिंग चाहिए, तो वो स्ट्रिंग कहां से ऊपर आया होगा, यहां से ऊपर आया होगा, एक्स स्ट्रिंग है कि नहीं बेटा। ओ बच्चो, बच्चे ये स्ट्रिंग ऐसे करके है ना, ये देख यहां पे तूने फिक्स कर दिया है ऐसे करके। अब तू चाहता है बच्चे कि ये जो पॉइंट है ये आगे जाए, जब ये पॉइंट आगे जाएगा बेटा तो तेरे पास, मैं स्ट्रिंग का कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा समझने के लिए, थोड़ा नीचे ड्रॉ कर देता हूं, ये देख समझा, पहले रेड वाले की इतनी लेंथ थी बेटा, अब ये जब इतना आगे गया तो ये वाली लेंथ अब मिस होगी, ये अगर एक्स आगे गया तो ये मींस ये ऊपर को एक्स गया। अभी समझा पॉइंट बच्चों? बेटा बोलना बड़ा जरूरी है यार, बच्चों बोलो एवरीबॉडी। बच्चों ये डायग्राम क्लियर होगी सभी को, कैसे बनाई गई है ये वाली डायग्राम्स? गुड, मतलब ये बताना बेटे देखो, ये ऑफलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, तो ऑनलाइन क्लास में आप जो भी बोलोगे उसको सच माना जाएगा, चाहे आप हंसते हंसते बोल रहे हो यस सर ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ, देखते हैं तुम लोग मेरे बेस्ट को गैस तो करके बताओगे क्या रिजल्ट रहेगा इसका। तो हियर कम्स द क्वेश्चन, शायद मैंने ये पहले भी करवाया हो। शायद बच्चे मैंने पहले भी करवाया हो क्वेश्चन ये वाला। ये बेटा तूने फोर्स लगाया, ये मास एम में, ये टू है, इसका वैल्यू का मेरे को निकाल के दिखा देना, ये हमें एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम बताना है क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन को कॉपी पे ड्रॉ कर लो, सॉल्व करके मेरे को बता देना और इसका आंसर 3m आएगा। ओके अब देखो, तो मतलब ये फंडामेंटल्स हैं बेटा हमारे इसके ना, बेसिक्स हैं।
और मैं तुम्हें थोड़ा सा अभी इसका डिटेल, एक जो कॉन्सेप्ट है, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग फोर्स ये डिटेल में शेयर करने वाला हूं अभी मैं, ठीक है। पहले ये चीज क्लियर होगी सभी को, इसको सॉल्व करना बेटा और इसका आंसर जरूर बताना, थोड़ा अच्छा रहेगा तो बढ़िया रहेगा, जबरदस्त रहेगा, ठीक है। देखो मैंने आपको पहले बोला है जेई और नीट उसका हम लोग ये बेसिक्स कर रहे हैं, आप लोग डीसी पांडे की बुक को सॉल्व करोगे आपको ये सारी चीजें उसमें से अप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाएंगे। डीसी पांडे की मैकेनिक्स वॉल्यूम वन मैंने बोल रखा है आपको, 385 रुपीज है, जिंदगी में खर्च लेना तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलो सुनो, स्प्रिंग फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो हमारे पास ना बेटा क्या होता है, ये स्प्रिंग है कोई, मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जाना बेटे, ये स्प्रिंग है और ये इसकी ना नॉर्मल लेंथ है, इसकी ये नॉर्मल लेंथ है और तुम जैसे ही इसको स्ट्रेच करते हो ऐसे, जैसे मान लो तूने इसको एक्स डिस्टेंस स्ट्रेच कर दिया तो इसके अंदर बेटा एक ना रिस्टोरिंग फोर्स आ जाता है जो इस तरफ लगता है, क्योंकि ये नेचुरल लेंथ जो होती है जहां पे ये नॉर्मल होता है ये मीन पोजीशन होती है तो इधर को फोर्स लगती है तो ये इस ब्लॉक को पुल करता है, पुल करता है टुवर्ड्स मीन, पुल टुवर्ड्स मीन, पहला पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा पॉइंट है बेटा अगर तुम इसको ऐसे ही कंप्रेस करते हो एक्स डिस्टेंस तक तो इस पे एक फोर्स लगता है बेटे इधर को और ये इसको पुश करता है, इसको क्या करता है पुश करता है, ये डिस्टेंस एक्स ही है, ये इसको पुश करता है टुवर्ड्स राइट, ये पुल करता है टुवर्ड्स राइट, राइट बोले तो मीन, तो इसके अंदर ये जो बेटे रेस्टोरिंग फोर्स आती है वो हमेशा एफ फिजिकल टू माइनस के एक्स होती है, याद रखना ये चीज, इसी को हम लोग हुक्स लॉ एक तरह की टाइप कह देते हैं, हुक्स लॉ, और जिसमें एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन। पर इसमें यह भी चीज साथ में लिखी जाती है, एक वर्ड आता है विद इन इलास्टिक लिमिट, ये वर्ड लिखा जाता है, इसका मीनिंग क्या है ये बाद में पढ़ेंगे, पर अभी तुम लिख लो विद इन इलास्टिक लिमिट, लिमिट के अंदर फोर्स लगाओगे तो ये चीज रहती है, इसका डिटेल डिस्कशन बाद में आएगा, पर अभी के लिए तुम ये याद रखो कि जो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग के अंदर आता है वो हमेशा माइनस के एक्स होता है, अगर वो एक्सटेंशन में है तो मतलब टुवर्ड्स मीन या नेचुरल लेंथ लगता है हमेशा, ओके। और जब तुम इसका ग्राफ बनाते हो बेटे, इधर को अगर एक्स इधर को एफ लिखते हो तो ये ग्राफ आता है, ये वाला देखो कैसे सिंपल है, ये बेटा मान लो मीन पोजीशन है स्प्रिंग, अगर तुम ब्लॉक इधर रखोगे तो फोर्स इधर लगेगा नेगेटिव साइड, और ब्लॉक को तुमने कहां पे रखा पॉजिटिव साइड, और अगर तुमने इसको इधर रखा ब्लॉक को फोर्स इधर लगेगा
फोर्स पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, इस वजह से ये ग्राफ आएगा। अगर एफ पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में देखो, अगर एफ पॉजिटिव है तो एक्स नेगेटिव है, और अगर यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में अगर एफ नेगेटिव है एक्स पॉजिटिव है, तो ये चीज भूलिए, ये हमेशा ऑपोजिट रहता है। पहला पॉइंट तो ये आ गया बेटा, मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया तुम सभी को फोर्स के बारे में। कभी भी, बार बार मैं कह रहा हूं बेटे, कभी भी कोई भी स्प्रिंग अगर कंप्रेस्ड है तो बेटे फोर्स इधर लगेगा, कोई भी स्प्रिंग अगर अलोंगेटेड है तो ऑब्वियसली बात है फोर्स इधर लगेगा। लॉजिक बस यही फंडामेंटल है और इसमें कुछ भी नहीं है। और एक चीज और शेयर करते हैं आपसे, अगर मान लीजिए आप लोगों के पास स्प्रिंग को आप लोग वर्टिकल पोजीशन पे रखते हो, स्प्रिंग को वर्टिकल पोजीशन पे रखते हो और ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है, पर अगर बच्चों तुम स्प्रिंग के साथ कुछ मास लगा दो तो बेटा जो स्प्रिंग होता है वो थोड़ा सा अलोंगेट कर जाता है, थोड़ा सा वो अलोंगेट कर जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल लेंथ से जब वो अलोंगेट कर गया तो एक ऊपर को फोर्स लगता है, इसकी वैल्यू तुम के एक्स नॉट लिखते हो और ये एम जी के बराबर होता है। बच्चों क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट बेटा? फिर आ गया, यस सर, फिर आ गया बेटे रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। ये आप लोगों ने काफी अच्छे से इसको ऑब्जर्व भी किया होगा, इसको काफी अच्छे से आप लोगों ने बेटे ऑब्जर्व भी किया होता है कि एक तुम्हारे पास स्प्रिंग बैलेंस होता है और यहां पे अगर तुम इसको फिक्स कर दो, इसके अंदर स्प्रिंग होता है, ये मास होता है, मान लो ये मास अगर 2 kg है तो यहां पे मार्किंग होती है, पॉइंटर होता है इसके अंदर, ये मान लो ये 2 है तो इसका पॉइंटर यहां पे होगा, पढ़ा देखा हुआ है ना स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस। अगर ये 3 kg है तो 3 kg, नॉर्मली 5-10 kg तक होता है ये स्प्रिंग बैलेंस, मतलब नॉर्मली जो शॉप्स पे यूज कर सकते हैं, ये स्प्रिंग होता है, जितना वेट इसके साथ टंगा हो तो वही। अगर तुम फोर्स की बात करोगे 2 kg के लिए तो तुम्हारे पास फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 20 N, इज इट 20 N। बेटा तुम्हारे पास फोर्स की वैल्यू आएगी, दैट इज द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। और तुम लोग ये भी बहुत जबरदस्त वे में इसको समझ के रखो, देखो यहां तक तो ये चीजें क्लियर हो चुकी है सभी को, ठीक है? अब मैं कुछ आगे करवाने वाला हूं तो मैं चाहता हूं तुम्हें फंडामेंटल बहुत जबरदस्त वे में समझ लग जाए। देखो यहाँ पे तुम लोगों ने इसको बांध के रखा हुआ है, अब मेरा पॉइंट सुनो, ये ऑब्वियसली बात है ये इसको ऊपर को खींच रहा है और ये इसको नीचे को खींच रहा है ऐसे करके, तभी तो ये, अभी एक क्वेश्चन आता होता है ऐसे, देखो ये एक स्प्रिंग बैलेंस है तुम्हें दिया गया और कैसे मान लो पुली है, ये कुछ भी मान लो, नो प्रॉब्लम विद दैट, और यहां पे बेटा तूने 10 kg लगाया, यहां पे भी 10 kg लगाया, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग बैलेंस। तुम्हें क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द रीडिंग
of the spring balance. Without spring balance की reading क्या होगी? मैं options दे रहा हूँ 10, 20, 0 या smile. क्या आंसर होगा? थोड़ा गंदी स्माइल दे दी ये. अब बताओ क्या रीडिंग होगी बेटा स्प्रिंग बैलेंस की इसमें? बेटा इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा 10. इसका आंसर आएगा बेटे 10. क्यों? सुनो बात, बहुत सिंपल है. क्योंकि ये जब इसको नीचे को फोर्स लगाएगा बेटा तो ये इसको इधर को खींचेगा, तो ऑब्वियसली बात है पीछे कुछ ना कुछ इसको सपोर्ट, किसी ना किसी जगह पे इसको पीछे को सपोर्ट तो मिलना चाहिए. तो पीछे से भी अगर इसको 10 के साथ खींचा जाएगा तो इसका नेट रीडिंग जो है कितना आएगा? 10 आएगा. पॉइंटर का रीडिंग 10 आ जाएगा. फिर से सुनो कैसे. ये देखो, तुम जब स्प्रिंग बैलेंस को हैंग करते हो बेटा, कुछ भी मास ना लगाओ तो पॉइंटर जीरो पे होता है, लेकिन जैसे ही तुम इसके साथ कोई मास लगाओ तो ये पॉइंटर मास के हिसाब से, अगर ये 2 kg है तो ये 2 पे आ जाएगा. अगर ये 2 पे आया तो मींस ऊपर से भी तो फोर्स लग रही है ना बेटा, तो ये भी तो 2 kg की जितनी, मतलब 20 N जितनी फोर्स लगा रहा होगा, तभी तो ये रीडिंग देगा तुम्हें. बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट? बच्चो बेटा, एवरीबॉडी इट इज क्लियर? मतलब किसी भी बॉडी को, जैसे बेटा जैसे मान लो किसी ने, कोई ओलंपिक्स में है, उसने इसको उठाना है ऐसे करके, तो जब भी उठाएगा, मान लो ये टोटल जो है वो 100 kg है, उसको उठाना है 100 kg, तो ऑब्वियस जब ये इसको उठा देगा, ये जब इसको उठा देगा, डंबल को उठा देगा, तो ये कितना फोर्स लगा रहा होगा? उतना ही जितना इसका है, तभी तो उठा पाया उसको. अगर उसे कम लगाएगा तो नीचे आ जाएगा, ज्यादा बहुत ज्यादा लगाएगा तो ये उड़ेगा थोड़ी, उतना ही लगाएगा जितना है इसका. मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हैज टू बी देयर ना बेटा, ये रीजन है. बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? बच्चों अब देखो, मैं तुम्हें एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये. बेटा किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी लगे तो मेरे को दोबारा बता सकते हो, कोई डरने वाली बात नहीं है. पर समझना और उसको याद रखना ये हमारी जिम्मेवारी है खुद की. कोई डाउट लगे बता दो, सर ये वाला पॉइंट नहीं क्लियर हुआ या थोड़ा क्लियर हुआ. होता है बेटे, हम भी जब पढ़ते थे हम भी शरारते करते थे, पर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगाते थे. ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत जबरदस्त फर्क था. ये S1 है, ये S2 है. तुम्हें मासेस दे रखे हैं, मास ऑफ ब्लॉक A 20 है, मास ऑफ ब्लॉक B 30 है. तुम्हें बोला जा रहा है बताओ रीडिंग्स क्या होंगी, रीडिंग्स ऑफ द स्प्रिंग्स S1 एंड S2. नो डाउट ये इक्विलिब्रियम ही बोला जा रहा है. तो बच्चों बताओगे क्या रीडिंग आएगी? बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है. देखो
फंडामेंटल्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं वो हमेशा सेम ही होते हैं। देखो कैसे, ये ब्लॉक है, ये नीचे को एम जी लगाएगा, इसका मास एम बी है, अरे जी लगेगा, और ये ए है, ये नीचे को लगाएगा एम ए जी, ये तो वही रहता है। अब ये स्ट्रिंग लगाइए, इसको नीचे को खींचेगा, टी वन टेंशन लगाएगा, बस कहानी खत्म। यहां से तुम्हारे पास टी वन का वैल्यू कितना आ गया, एम बी जी, एम बी जी। अब ये जो स्प्रिंग है, अगर ये स्प्रिंग इसी पे रह रहा है तो इधर इसको भी टी वन लगेगा, तो यहां पे जो इसके साथ लगा है एस टू के साथ, ये भी टी वन लगेगा, उसकी रीडिंग क्या आएगी, टी वन वाली एम बी जी। टी वन कितना आ गया, एम बी तुम्हें 30 दे रखा है, ये आ गया 300 न्यूटन। तो रीडिंग कितनी आ गई इसकी, रीडिंग ऑफ एस टू वही जो मैंने बताया था, इतनी फोर्स होती है डिवाइडेड बाय ग्रेविटी, इसमें इसके ऊपर टी वन फोर्स लग रहा है बाय ग्रेविटी, 300/10 30 किलोग्राम आ गया, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस हम लोग किलोग्राम फोर्स में लेते हैं ना, या किलोग्राम वेट या कुछ भी, जितना किलोग्राम है उतना ही। तुम्हें पता है ना बेटे, फोर्स के बारे में बताया रखा है, फोर्स के दो यूनिट्स होते हैं बेटे, एब्सोल्यूट यूनिट्स एंड प्रैक्टिकल यूनिट्स। एब्सोल्यूट यूनिट में तो SI और CGS होता है, जिसमें न्यूटन और डाइन होता है। प्रैक्टिकल में किलोग्राम फोर्स होता है, या इसका नाम किलोग्राम वेट होता है, या ग्राम फोर्स होता है, या ग्राम वेट होता है, ये बताया हुआ है पहले, फोर्स के यूनिट्स के बारे में बड़ा। बच्चे क्लियर हो गया, दिस इज द रीडिंग ऑफ द एस टू, टी वन बाई जी 300/10 एंड 30 kg। अच्छा, फिर एस टू के बारे में लिखोगे, अब तुम एस टू के बारे में सोचना चाहोगे, तुम ऐसे सोचोगे, ये इधर है और यहां पे एक थ्रेड आएगा, यहां पे टेंशन टी टू आ जाएगी, देख सकते हो यहां पे, और ये भी टी टू आ जाएगा। बेसिकली इधर को क्या निकालना है बेटे, टी टू निकालना है, कुछ नहीं करना, ये टी टू आ जाएगा, और अब फर्क ये है, यहां पे तुम्हारे पास कुछ टेंशन आ जाएगा, इसका नाम टी नॉट कह दो, इसके साथ तूने ब्लॉक लगा दिया, अब ब्लॉक पे मास ऑफ ए तो लग ही रहा है, प्लस टेंशन लग रहा है टी वन, तो यहां से टी नॉट की वैल्यू कितनी आई बेटे तेरे पास, एम ए जी प्लस टी वन। बच्चों क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट एवरीबॉडी, बच्चों ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ सभी को, बच्चों मेरी आवाज आ रही है, कोई पॉइंट, हाँ कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं क्लियर हुआ बता सकते हो, कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं क्लियर हुआ बता सकते हो, बेटा थोड़ा बोलना पड़ेगा यार, बेटा मेरे को खुद नहीं समझ लगती कि आप यस सर किस चीज के बारे में बोल रहे हो सारे। फिर मैं जो क्वेश्चन देता हूं मेरे को सॉल्व करके दिखाओ, मतलब ऐसा नहीं है ना बेटा कि मतलब क्वेश्चन दिया गया है तो इमीडिएट सॉल्व करके दिखाओ। सर आपने बताया था अर्थ है, अर्थ के कारण एमजी लगता है, सर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के कारण टेंशन लगेगा, सर इसमें कॉन्टेक्ट तो कोई नहीं हो रहा तो नॉर्मल एक्शन इसमें नहीं आएगा, सर इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है तो स्प्रिंग वाली फोर्स आएगी। भाई ये बेसिक्स है बच्चे, ये जो मैं बोला अभी, मैं थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो ये चीज को बोल के प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये एम ए जी प्लस टी वन आ गया बेटा, एम ए जी प्लस टी वन, यहाँ से एम ए जी तुम्हें पता है ये 20 g था और टी वन तुमने निकाला अभी 30 g है, तो ये तुम्हारे पास आ गया कुछ 500 g, 500 N आ गया टी नॉट।
और तुम ये भी देख पा रहे हो कि 2 टाइम्स टी टू जो है वो 500 है, तो टी टू का वैल्यू कितना आ गया 250। अब टी टू का वैल्यू तुम्हारे पास 250 आ गया है, तो ये स्प्रिंग बैलेंस इधर लगा हुआ है, इसके ऊपर भी कितना फोर्स लगेगा, टी टू लगेगा ना, इसको इसको खींचेगा इधर, ये इसको इस इधर को, तो टी टू का वैल्यू 250। तो रीडिंग ऑफ एस वन स्प्रिंग कितना आएगा 250 बाय जी, जी इज 10, तो 25 kg इसका आंसर आएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट नाउ एवरीबॉडी। बच्चों बच्चों क्लियर हो गया? अब मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, डोंट वरी अबाउट नोट्स, यू विल गेट द नोट्स आल्सो, पर मैंने कल भी शेयर कर दिए थे तुम्हें सभी को, ये वाले नोट्स भी मैं शेयर कर रहा हूं, डोंट वरी। पर बच्चे कॉपी पे लिखा होना चाहिए, प्रैक्टिस की होनी चाहिए, चीजें बहुत जबरदस्त वे में क्लियर होती है। ये 40 kg आ गया बेटे, ये आ गया इधर, यहां पे इसको हमने फिक्स कर दिया, और एक स्प्रिंग मैंने इधर लगा दिया, और ये आ गया 20 kg, ये S1 स्प्रिंग आ गया, ये S2 आ गया। बताओ रीडिंग्स क्या होंगी, रीडिंग्स ऑफ S1 एंड S2, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट जो है हमारा स्प्रिंग के रिलेटेड थोड़े से 2-3 क्वेश्चन और है, वो भी करेंगे, और कल बेटा हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्ट और ये 3 क्वेश्चन जो करेंगे, इसके 3 क्वेश्चन हैं या 4 क्वेश्चन हैं स्प्रिंग के, वो करेंगे। उसके बाद तुम लोग का ये चैप्टर जो है लॉज ऑफ मोशन में खत्म हो जाएगा, फिर इसके इमीडिएट बाद हम लोग फ्रिक्शन करेंगे। और मैंने तुम लोग को बोला हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक डिफरेंट यूनिक बहुत जबरदस्त टॉपिक है, ये हम लोग जैसे ही लॉज ऑफ मोशन खत्म कर देंगे तो उसके बाद एक वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है, और वर्क पावर एनर्जी जैसे खत्म होगा तो फिर एक सेपरेट टॉपिक है बेटा, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, कोलिजंस, ये सारे इकट्ठा टॉपिक है, तो इसमें सॉल्व किया जाता है, उसमें आपके डाउट्स और क्वेरीज काफी डील करते हैं, ठीक है। लेकिन टुमारो विल बी द लास्ट लेक्चर, विल बी द लास्ट लेक्चर रिलेटेड टू द लॉज ऑफ मोशन, बिकॉज इससे ज्यादा और अच्छे क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे, तो मैं रिवाइज करना पड़ेगा बस, ठीक है। Any doubt, better? You can ask now.